है तो फिली पूछ सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, ये किस पर्पस के लिए है? अच्छा हाँ जी। अच्छा एक आपने अनाउंसमेंट भी देखी होगी ना। नहीं देखी मैंने, इसीलिए पूछा है। ओके ओके। आपने स्लैक नहीं ज्वाइन किया हुआ? मैंने अभी कुछ दिन पहले अगेन ज्वाइन किया था। ओके ठीक है। तो आप ये एक दफा पोस्ट देखिएगा, आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है, लिस्ट भी है ठीक है, और डिटेल्ड मैसेज जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट करें, फिर हम आप लोगों के साथ ना डिटेल्स कंप्लीटली शेयर करते हैं ठीक है। ये बता दीजिए हाँ कि एमएस के लिए। मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए मैं अभी कंफर्म नहीं ना बता रहा कौन कौन सी सिलेक्ट हुई हैं ठीक है। तो वो डिटेल मैसेज जैसे ही आपको रिसीव हो जाएगा तो आप लोगों को कंफर्म नहीं हो नहीं जाएगा। जस्ट आई एम आस्किंग कि अगेन अप्लाई करने के लिए कि एमएस के लिए है, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया। ओहो आपने अप्लाई नहीं किया। इसलिए पूछ रही थी मैं। सर अप्लाई हाँ तो मैंने भी नहीं इंटर किया, कहाँ करना था? इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स थी ठीक है। अनाउंसमेंट भी आईकोड ग्रुप पे होती रही, और व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने कम्युनिटीज बनी हुई हैं उनमें शेयर भी किया गया था कि नहीं ग्रुप में जो तो नहीं था, इंटरनेशनल ग्रुप में स्कॉलरशिप्स मैं हैं। इंक्लूड थी मैं। ये सर ग्रुप में तो कोई ऐसे नोटिफिकेशन नहीं था। अभी ताज़ा ताज़ा नहीं है ना, टाइम लगता है प्रोसेस होने में। तो आई थिंक सो जिस वक्त अनाउंसमेंट हुई थी आप लोगों ने शायद आइस कोड ग्रुप को ज्वाइन ना किया। नहीं, मैंने और व्हाट्सएप ग्रुप बाकी को ज्वाइन किया हुआ, उस पर नहीं था। कब आपने ज्वाइन किया? मुझे आई थिंक 6 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए व्हाट्सएप। ओके मैं इसको देख के ना कंप्लीट डिटेल के साथ पे मैसेज करूंगा। आप स्लैक ज्वाइन अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लीजिएगा ठीक है। वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज क्या है? मैं ये देख लूँगा कि कौन सी, कब हमने अनाउंस किया था और कब नहीं किया था, ये देख के बता दूंगा ठीक है। और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का भी बताया, और किसको कौन कौन से स्कॉलरशिप्स मिली हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है। ठीक सर है, मैंने ठीक उस सेशन की लिंक जो है चैट बॉक्स में सेंड कर दिया जिसमें अनाउंस किया गया था स्कॉलरशिप्स का, तो आप लोग देख सकते हैं। है, थैंक यू सो मच सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे हाँ सीनियर अच्छा हैं कॉन्सर करने के लिए। हाँ इसमें बाकी ये है कि पाइथन के रिलेटेड ठीक है, और हम पाइथन को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप लोगों का स्टेप क्या होना चाहिए ठीक है, और जॉइंट टैक्स के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया जाए, अपने सीवी को कैसे बिल्ड किया जाए, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो फ्रीली पूछ सकते हैं। क्या इसकी डेडलाइन खत्म ओके हो गई है? अच्छा, स्कॉलरशिप्स आती जाती रहती है, अगर कोई और फर्दर स्कॉलरशिप आएगी तो हम लोग अनाउंस कर देंगे ठीक है। ठीक है। सर ये असल में जो अनाउंस हुआ है वो कहा गया कि नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स, सर हम नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी तो मैं हमारा अभी सेकंड वीक अब स्टार्ट हुआ है, तो मुझे एक्चुअली 1 वीक हुआ है। लास्ट वीक मैंने मैं स्लैक भी ज्वाइन देखें किया था और व्हाट्सएप भी ज्वाइन देखें किया था। देखें देखें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। तो आप क्या हुआ है कि हमने नेचुरल साइंस स्टूडेंट ठीक है, अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के नहीं है, वो ये समझते हैं कि उनका कंप्यूटर साइंस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं ठीक है। अब आप देखेंगे मेडिकल फील्ड का बंदा ठीक है, अगर उसका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस के साथ ना बने, बिल्कुल भी किसी तरह से रिलेट ना करे, तो आपकी ब्लड डायलिसिस मशीन कैसे बने, शुगर टेस्ट करने वाली मशीन कैसे बने ठीक है। फिजिक्स का बंदा जो है ठीक है, वो अगर कंप्यूटर की फील्ड के साथ ना जुड़े, तो आप जो माइक्रोवेव ओवन्स घर में यूज करते हैं, उनके बटन्स दबा के उनको कमांड्स देते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, इसके पीछे भी कोर्स चल रहे होते हैं ठीक है, जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम भी बोलते हैं, तो इस पर कौन से बंदे काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने ये कोर्सेज चलाए ठीक है, ताकि जो नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग भी स्टार्ट कर सकें ठीक है, और साथ साथ अपने स्कॉलरशिप्स भी सिक्योर कर सकें, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर आप ये समझ लें कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है आज के दौर में। टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है ठीक है। पाकिस्तान तो ऐसा समझें
कि आपको आसान अल्फाज में कहता हूँ, पाकिस्तान तो एज अ नेशन पीछे जा रहा है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी कि फोटोशॉप यूज़ करने वाला, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फोटोशॉप यूज़ करके पोस्टर बना देना, ठीक है, लोगोस बना देना, हम समझते हैं कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। तो आप मुझे अगर ये बताएं कि जिसने फोटोशॉप बनाया वो क्या था, वो ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर था ना जिसे कोडिंग भी आती है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करने वाला क्या हुआ, ड्राइवर हुआ, ठीक है ना। तो हमने क्या बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, ना कि ड्राइवर बनना है। जैसे मिसाल ऐसे ही है कि आपने एक बहुत लग्जरी गाड़ी खरीद ली है, ठीक है, और आपने उसको ड्राइव करना शुरू कर दिया, तो ड्राइव करने वाला चाहे जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले ले, वो होता ड्राइवर ही है, ठीक है। इंजीनियर वो होता है जो उसे बनाता है, ठीक है। और हम हमारे पास जो इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं वो जाइंटेक्स में जॉब भी कर रहे हैं, और वो हमें गाइडलाइंस भी देते हैं कि हम किस तरीके से अपनी लर्निंग करें ताकि वहाँ पर सेलेक्ट हो सकें, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज ऐसे हैं कि आप 5-7 साल में जितना यहाँ पे कमाएंगे वहाँ पर 1 महीने में आपको सैलरी मिल जाएगी, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छा कमाने के बाद, ठीक है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम वहाँ तक तो कैसे पहुँच सकते हैं? सर, ये बेसिकली यहाँ पे कमेंट आया है कि हम NS1 बैच का सर सिलेक्ट हुए और हम डोनेशन साथ सेकंड बैच है उसके स्टूडेंट्स हैं क्या? क्योंकि सर हमारा अब सेकंड वीक अब स्टार्ट हुआ है, तो हमें पहले जो भी ग्रुप में था या सिलेक्ट था उसका हमें आइडिया नहीं था। तो ऐसा ही है क्या, हम सेकंड बैच में सर हैं? हमारा अब हमारी फ्रेंड अभी आएगी। देखें, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, स्कॉलरशिप्स आप देखें, ठीक है, स्कॉलरशिप्स तो निकलती रहती है ना, ठीक है, स्प्रिंग्स में भी निकलती हैं, फॉल्स में भी निकलती हैं, उससे अगले साल भी निकलती हैं। तो जो लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं उनके लिए दोबारा आ जाती है, ठीक है, बस अल्लाह सेहत दे और ज़िंदगी दे, अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती हैं। और जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमारा काम है कि आप लोगों की एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे, हम खुद से ही एक पर्सन मेहनत करे और सैकड़ों लोगों का भला हो जाए, ठीक है। वो हर पर्सन जो है वो अपनी अलहदा अलहदा एफर्ट करे, उसे बचाने के लिए हम अनाउंसमेंट कर देते होते हैं जब भी आप लोगों से अप्लाई करवाना, ठीक है। तो आप लोगों की ये समझ लें कि कब आप लोगों ने अप्लाई करना है, जो लोग जिन लोगों की मिस हो गई है, ठीक है, वो आपकी टेंशन नहीं, वो हमारी टेंशन। तो आपने जस्ट क्या करना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है ताकि आप लोगों की CV बिल्ड हो, ठीक है, आपकी एक स्ट्रांग प्रोफाइल हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, MS की या PhD की, अब वहाँ पर अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल आप सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, अब वहाँ पर तो पूरी दुनिया के लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि प्रोफेसर कहे कि मैंने पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को छोड़ के इसी को हायर करना है, ठीक है। तो हम उस वर्ल्ड लेवल की आप लोगों की प्रोफाइल बिल्ड करवाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे आईकोर ग्रुप पे, बहुत से जो हैं फॉरन चले भी गए हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे, ठीक है, और कुछ तैयारी भी कर रहे हैं। आप लोगों ने बस क्या करना है कि अनाउंसमेंट को गौर से देखना है, ठीक है, और अपना जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रखना है लर्निंग पे, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपसे बात करने के लिए इस वक्त मैं उर्दू का सहारा ले रहा हूँ ना, ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। तो पाइथन क्या है, पाइथन जस्ट एक लैंग्वेज है ना जो आपने सीखनी है ताकि आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। फिर इसके बाद पाइथन सीखने के बाद, लैंग्वेज के बाद, आप लोगों का क्या स्टेप होना चाहिए? तो यानी पर्सन कोई ऐड करना चाहता है, प्रैक्टिकल फील्ड ही है जिस तरह से मशीन लर्निंग में आते हैं और मॉडल्स हाँ मैं आपको बताता हूँ, बनाना। हाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये देखें कि आपने मशीन लर्निंग सीखनी है, आपने, ठीक है, आपने कोई वेब डेवलपमेंट करनी है, आपने कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, या आपने किसी भी फील्ड में जाना है कंप्यूटर की, ठीक है, लैंग्वेज तो ज़रूरी होती है, ठीक है। पाइथन अब एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज इसे कहते हैं, जो बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ी आसान है और बहुत सी जगहों पर यूज़ भी हो रही है, ठीक है, जिससे हम मशीन लर्निंग के काम कर सकते हैं, ठीक है, AI मॉडल्स बना रहे होते हैं, पाइथन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है,
तो उसमें एक किसी भी फील्ड में जाने से पहले सब में एक कॉमन चीज आती है। मैं एक्चुअली में वो पूछना चाह रहा था कि वो आप लोगों को पता है या नहीं पता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग भी रिसर्च की बात एग्जैक्टली। कर रहे हैं हम, रिसर्च की बात कर रहे हैं। नहीं, रिसर्च की बात नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान में कौन रिसर्च से कंप्यूटर? भी, मैं आपको पाकिस्तान की रिसर्च भी मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान की रिसर्च क्या होती है, दो चार वेरिएबल उठा के इधर कर दी उधर कर दी और आपकी रिसर्च होगी, थोड़ी सी एक्यूरेसी इंप्रूव कर ली। ठीक है, देख लिया इसमें कौन कौन से मॉडल्स लगाए हुए हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाके देख लिया कि कौन से मॉडल्स ऐसे हैं जो मिसिंग है, वो अप्लाई करके अगर तो आपकी एक्यूरेसी आती है तो पाकिस्तान में तो इसको रिसर्च समझा जाता है और वो पेपर पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो अब कॉन्फ्रेंसेस भी इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि आप थोड़ी सी तब्दीली करके मेरा भेज करके आराम से अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। तो जिस पर्सन ने ऐड किया प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, वो था आंसर जो पाइथन मैंने। से एक बात, एक और है। तो पाइथन सीखने के बाद हम कंप्यूटर लैंग्वेज चूंकि ये सीख रहे हैं, तो हम कंप्यूटर से मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर से भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कर सकें। एग्जैक्टली आपने क्या करना है, आपने जिसको कंप्यूटर से कोई काम करवाना होता है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर से करवाना है कि मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिस पर मैं अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकूं और कस्टमर्स जो हैं वो उस एप्लीकेशन के थ्रू मुझे कह सकें कि मेरी मुझे ये ऑर्डर कर दो, मुझे ये ऑर्डर कर दो, मुझे ये ऑर्डर कर दो। तो इस तरह की बात करने के लिए आपको कंप्यूटर को क्या बताना पड़ता है, ठीक है, उसको उसकी जुबान में समझाना पड़ता है ना ताकि एक एप्लीकेशन बन जाए, ठीक है, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन उसके बिहाइंड सीन, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जस्ट बात करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है, मैं इस पे भी आता हूँ। अब देखें, एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि जिनका नॉन सीएस बैकग्राउंड है उन्हें भी समझ आ जाए। अब आपके पास दो वर्जन हैं विंडोज, तो तकरीबन सभी फेमिलियर होंगे, सबके लैपटॉप्स में होगी। आप उस पर माई कंप्यूटर है, दोनों वर्जन पे माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, एक जो है वो नैनो सेकंड्स के अंदर आपको ओपन करके दे देता है और एक जो है वो 1.5 मिनट ले जाता है। अब दोनों वर्जन आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है तो आप कौन सा चलाना पसंद करेंगे? जो नैनो सेकंड में ओपन होगी, एग्जैक्टली, जो फटाक से चीजें आपके सामने, जैसे आप डबल क्लिक करते रहे जल्दी 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 जल्दी, जल्दी आपके सामने स्क्रीन पे रखता जाए, ऐसे ही है ना? और उसके लिए CNN आजकल जो चल रहा। नहीं, मैं भी मॉडल्स की तरफ आ ही नहीं रहा ना। अच्छा, ठीक है, अच्छा, अब उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए एक तो माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको एक एल्गोरिदम चाहिए। अब अगर आपका एल्गोरिदम अच्छा होगा लिखा होगा तो माई कंप्यूटर जल्दी से ओपन हो जाएगा। अगर आपका जो एल्गोरिदम लिखा होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो क्या होगा, वो 1.5 मिनट 2 मिनट ले जाएगा सिर्फ एक छोटे से काम के। ठीक है, तो जाइंट टेक्स में क्या हो रहा होता है, वो जब भी आपका इंटरव्यू करते हैं आपको हायर करने के लिए जॉब पे, वो आपका कोडिंग इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। ठीक है, अब ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशंस हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशंस जब आप करेंगे ऑब्वियसली आप हायर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब कोडिंग सीखे कैसे? ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर ना, हम डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, फीमेल्स अक्सर वाकिफ होंगी, एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। ठीक है, अब आप लोग कैसे फेमिलियर हैं इसे, ठीक है, नाम बेशक जिन्होंने पहली दफा भी सुना है लेकिन आप इसको अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है वो रोटियां पका रही हैं, ठीक है, उन्होंने एक प्लेट के अंदर या छाबा जिसे हम बोलते हैं या हार्ड पॉट बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर रखनी शुरू कर दी। अब उसने जो सबसे पहले रोटी पकाई थी वो सबसे नीचे रह गई और जो सबसे एंड पे पकाई थी वो सबसे ऊपर आ गई, ऐसे ही होता है ना? ऐसा और अब आप रोटी उठाएंगे तो सबसे पहले कौन सी उठेगी? लास्ट वन, ये लाइफ ऑफ मेथड आ गया ना। लास्ट मतलब जो सबसे ऊपर पड़ी थी, ठीक है, वो आप सबसे पहले रोटी उठा लेंगे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको यूज करके हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप अक्सर मेल हजरात जो हैं, ठीक है, वो बिल जमा करवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, ऐसे ही है। तो उसमें क्या रूल अप्लाई होता है कि जो सबसे पहले लाइन में खड़ा है
है, वो सबसे पहले बिल जमा करवा के चला जाए, जो लास्ट पे आएगा वो लास्ट पे ही सर्व किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, स्टैक के अंदर जो लास्ट पे रखा जाता है, ठीक है, वो सबसे पहले उठाया जाता है। सर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये तो लाइफो मेथड हो गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ तो बिल्कुल, एल्गोरिथम्स जो है, एल्गोरिथम्स हाँ का बेसिकली अगर डिस्कस किया जाए, बिकॉज हमने एल्गोरिथम ही पढ़े हैं ना, क्लासेस नहीं ली हुई ना ये अभी। एग्जैक्टली, देखे ना, जिस वक्त मैंने क्लासेस नहीं ली थी मुझे भी इनके नाम नहीं पता थे, लेकिन जब तक मुझे ये ना बताया जाए कि मेरा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये इल्म ही ना, आप माशाल्लाह ठीक है कह देते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रेन है, ठीक है, लेकिन आप घर से बाहर ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं निकले और आपको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, तो बाहर, तो बाहर का एनवायरनमेंट में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जहाज उड़ रहे हैं, ठीक है, आपको अब नहीं पता बाहर की दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, आप अंदर बैठे बैठे क्या करेंगे, पहिया ईजाद करके खुश हो जाएंगे कि मैंने बड़ी जबरदस्त चीज ईजाद कर दी, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, हमें पहले देखना पड़ता है कि इस वक्त जो दुनिया है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उससे आगे हम लेकर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि दुनिया इस वक्त कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और हमें उसको आगे लेकर कैसे जाना है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और लगने में तो लग रहा है ना कि बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चले तो हर चीज़ पॉसिबल होती है, ठीक है। अब मैं आपको अहमियत समझा रहा हूँ कोडिंग की, कि कोडिंग क्यों जरूरी होती है, ठीक है। अब मैं रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा मैंने कनेक्ट किया दो डेटा स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। अब स्टैक कहाँ पे यूज हो रहा है, स्टैक का तो आपको पता चल गया ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो लास्ट पे इन हुआ वो पहले आउट हो गया, वो स्टैक रहा। अब आप लोगों ने इंटरनेट ब्राउजर यूज किया है, कोई ऐसा पर्सन जिसने इंटरनेट ब्राउजर यूज ना किया हो लैपटॉप पे या सिस्टम पे? डेली यूज होता है ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, डेली यूज होता है। अब मैं आपको स्टैक के सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, क्रोम खोल लिया, उस पर लिखा www.google.com। अब इसको माइंड में रखिएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, google.com खोल दिया। अब दूसरे नंबर पे आपने लिखा www.facebook.com, ठीक है, उसके बाद आप आगे gmail.com, ठीक है। मैं अब आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूँ ताकि ये छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मैंने ये बना लिए दो स्टैक्स, पहले मैंने रखा, खोला था गूगल, ठीक है, गूगल मेरे पास, ठीक है, एक मिनट, गूगल मेरे पास स्टैक के अंदर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया फेसबुक, तो उसने क्या किया कि उसमें रख दिया फेसबुक, ठीक है। फिर मैंने फेसबुक के बाद कहाँ पे गया था, जीमेल वही रहा, जीमेल पे हाँ जीमेल ठीक है, ठीक जीमेल पे है, जीमेल रख लिया। अच्छा, अब मैं जीमेल पे पहुंच गया। अब पीछे जाने के लिए हमारे ब्राउजर के अंदर बटन होता है ना बैक का, वो तीर सा बना होता है, एरो सा बना होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए बटन्स बने होते हैं ना। बैकवर्ड करूंगा तो वो क्या करेगा, वो जो लास्ट पर रखा था स्टैक के अंदर से, इसको यहाँ से पॉप करेगा, मतलब यहाँ से निकालेगा और इसके अंदर रख देगा, ठीक है। अब वो, उसने इसको निकाल दिया, अब वो किस पर आ गया, फेसबुक फेसबुक पे पर। अब मैं फिर बैक करूंगा तो वो क्या करेगा, इसको निकाल कर यहाँ पर रख देगा, अब मैं किस पर आ गया हूँ, गूगल पर आ गया हूँ। अब इसके बाद अगर मैं फॉरवर्ड बटन क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ से फेसबुक को पॉप करेगा और मुझे दोबारा यहाँ पे लाके दे देगा, ठीक है। फिर मैं फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करूंगा, वो क्या करेगा, यहाँ से जीमेल को यहाँ से पॉप करेगा और मुझे जीमेल लाके देगा। तो इस तरह हम डेटा स्ट्रक्चर्स को, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज करते हुए अपनी अपने लिए कोई भी काम करवा सकते हैं कंप्यूटर से, जैसा हम चाहें, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो तो ये हो गया इसको डायनास्ट्री जी। जिसको हमने यूज किया, ये बाल्टी सी, ठीक है, जिसको मैं हार्ड पॉट कह रहा था, ये हमारे पास थी डेटा स्ट्रक्चर, मतलब स्टैक था, जिसको हमने यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है।
और इसके पीछे क्या हो रहा होता है, स्टैक यूज हो रहा होता है, फॉर लूप लगे होते हैं, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, नेक्स्ट जा रहे हैं, ठीक है, इफ कंडीशंस काम कर रही हैं, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है, इस तरह के ही हम काम कर रहे होते हैं। इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो जितने अच्छे तरीके से और जितने ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर रहा होता है, उसकी मार्केट के अंदर उतनी डिमांड होती है, ठीक है। अब हम अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम एज अ नेशन इसको पीछे जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि हम वेब डेवलपमेंट का टूल है, ठीक है, जिसके कोई एक पर्सन जो किसी एक वेब डेवलपमेंट टूल का नाम जानता हो, या एंड्रॉयड डेवलपमेंट के टूल का, जिसको यूज करते हुए हम एप्लीकेशन बना लेते हैं। HLM, HTML, कोई इजी HTML, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, CSS, CSS, HTML, Bootstrap, फ्लटर भी है, फ्लटर एंड्रॉइड स्टूडियो, हाँ, फ्लटर जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉइड स्टूडियो, CSS, HTML। हाँ, अच्छा, चलो मैं सारों का आंसर करता हूँ। HTML, CSS, JavaScript, these are just languages, ठीक है। HTML यूज होती है किसी वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, ठीक है, और CSS किस लिए यूज होती है, उसके डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसमें जान भरने के लिए होती है, ठीक है, और ये काम करने के लिए हम कोई एक टूल यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जेंगो का नाम सुना होगा आपने, रिएक्ट का नाम सुना होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो का नाम सुना होगा, फ्लटर का नाम सुना होगा, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन यूज करके हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल ऐसे ही है कि जैसे आपने एक गाड़ी ली और उसको चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने यही सॉफ्टवेयर लिया और इसको चलाना शुरू कर दिया, तो चलाने वाला क्या होता है, ड्राइवर, इंजीनियर, और बनाने वाला क्या होता है, इंजीनियर, इंजीनियर, जो बनाने वाला होता है वो किस तरह बनाता है, उसका लीट कोड अच्छा होता है। जबकि सर ड्राइवर को तो कुछ नहीं पता होता पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली, ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता, वो जस्ट पीस ऑफ कोड जो है वो उठाता लगाता है और कहता है जी मैंने एप्लीकेशन बना लिया, लेकिन हकीकत में एप्लीकेशन किसने बनाई होती है, उस टूल ने बनाई होती है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक्सेल शीट यूज की होगी, अब एक्सेल शीट पता है किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाई है, नो जिसको स्टैट आती थी, उस पर सारे स्टैट्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं शीट पे, ठीक है, इतने कॉलम्स हैं, मुझे ये कॉलम दिखा दो जी जिसमें ये चीजें हो, या उसमें सॉर्ट करके ये चीजें दिखा दो, मतलब जिनके नाम एम से स्टार्ट हो रहे हैं, या जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, वो लोग दिखा दो, तो इस तरह का हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टैट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी स्टैट्स अच्छी थी और उसको कोडिंग पे बहुत ज्यादा ग्रिप थी, उसने सॉफ्टवेयर बना दिया पकड़ के, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर, मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह दूं कि जिसको कोडिंग आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आती वो अनपढ़ है, ठीक है। सर, फिर तो पाकिस्तान में मोस्टली अनपढ़ होंगे। कंप्यूटर की ऐसे बात करें ना, जनरल है ना बात करें। ऐसे ऐसे ही है, ठीक है। आप ये देखें कि एक टाइम था कि रिक्रूटर्स जो थे ना, वो पाकिस्तान आते थे क्या करने के लिए, इंजीनियर्स हायर करने के लिए, वो पूरे पाकिस्तान की छांटी करते थे और उनको मिलता था एक या दो अच्छा इंजीनियर पूरा पाकिस्तान छानने के बाद। और जिस वक्त वो इंडिया में जाते थे, ठीक है, उनको कितने इंजीनियर्स मिल जाते थे, ठीक है, उनको 20,000, 25,000, इस तरीके से वो इंजीनियर्स मिल रहे थे। तो वो कहते कि पाकिस्तान में मतलब इंजीनियर ढूंढना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, हम एम ही एफर्ट लगा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2008-07 के बाद मेरा ख्याल है कोई ऐसा रिक्रूटर पाकिस्तान स्पेशली नहीं आया जाइंट टेक्स का, जो पाकिस्तान में से इंप्लॉयज को हायर करे और जाए, क्योंकि उसने कहा जब इंडिया से मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है और हजारों की तादाद में मिल जाते हैं, मैंने पाकिस्तान में क्यों छांटे थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी स्किल्स लेनी है ताकि हम दुनिया में पाकिस्तान को मनवा सकें कि पाकिस्तान भी एक ताकत है, और हम तब तक नहीं मनवा सकते जब तक हमें टॉप कोडिंग नहीं आती। और वो गरीब मुल्क जो इस वक्त बहुत आगे जा चुके हैं, वो किस सर पे गए हैं, टेक्नोलॉजी के सर पे। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि हम ऑप्टिमाइज, इतनी बात तो आप लोगों के माइंड में क्लिक हो रही है ना कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, यस ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, जिस वक्त आप सेशंस में आएंगे ना, अगर लीड कोड करना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन करें, आपको ये बातें क्लियर होना, बिल्कुल 100% क्लियर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको अपने माइंड के अंदर एक रोड मैप रखना है कि हमने किस तरीके से चलना है ताकि हम
अरबपति बन सके, ठीक है, इन शॉर्ट कि जायंट टेक्स के अंदर जो इम्प्लॉय है ना, गूगल के अंदर जो इम्प्लॉय है वो एक तरह का अरबपति है। मैं पाकिस्तान में कोई अरबपति हो तो उसके खिलाफ करप्शन के केसेस निकल जाते हैं और उसका हर इम्प्लॉय तकरीबन अरबपति होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा सर तो एक्सक्यूज, थोड़ा हाँ जी, रूट से हटके, तो फिर हाँ तो वहां हाँ पे जॉब करते हुए फिर तो पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, करप्शन के केसेस ना बन जाए। देखें, पाकिस्तान आने की जरूरत है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि वहां पर वो मुल्क कितना आगे जा चुके हैं कि उसका इम्प्लॉय जो है वो अरबपति है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि दुनिया इस वक्त जहाँ पर पहुंच चुकी है हम भी वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमाकर पाकिस्तान आए ही ना, आपका पैसे कमाकर पाकिस्तान आना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान की मीशत स्टेबल हो। अच्छा, अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस को, ठीक है, हम कैसे सीख सकते हैं। अब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, अच्छा, क्या हम आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हमारे सेशन में कोई एक दिमाग ऐसा होगा जो हर चीज में सबसे आगे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई इंसान किसी चीज में अच्छा सोच लेता है, कोई इंसान किसी सॉल्यूशन में अच्छा सोच लेता है, कोई इंसान किसी सॉल्यूशन में अच्छा सोच लेता है, इस बात से एग्री करते हैं ना? यस सर, नो वन इज परफेक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे किया जाए? आप लोग क्या करते हैं, लीट कोड के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसका प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और आप अपनी तरफ से 100% श्योर होते हैं कि वाह यार आज कमाल हो गया, मैंने ना बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। फिर आप सेशन में जाते हैं, उधर 20 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 17-18 जो हैं वो क्या करते हैं जी, बहुत अच्छी आपकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन उसमें से एक दो ऐसे निकल आते हैं जो सोच कर कहते हैं कि सर अगर हम इसको इस तरीके से कर लेते तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता, ठीक है। तो फिर वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने वाला क्या होता है, कहता है कि अच्छा इसकी तो इसको तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो मतलब कि डिस्कशंस करने से, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने से क्या होता है, इंसान फास्टली और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करता है, ठीक है। इस बात से भी एग्री कर रहे हैं आप सर? यस सर, एब्सोल्युटली राइट यस सर, सर। इट्स जस्ट लाइक जब वाटर फ्लो करता रहता है तो फ्रेश रहता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल चलें इसी बात पर आते हैं, आप में से एक ऐसा पर्सन, ठीक है, उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक का नाम है जी बाइनरी सर्च। आप में से किसी को बाइनरी सर्च पता है? अब मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मुझे नहीं पता था कि वो बाइनरी सर्च के थ्रू सॉल्व हो सकता है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि बाइनरी सर्च इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मैं सेशन के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके सेशन के अंदर आ जाता हूँ, और उसमें से एक बंदा निकल के मुझे कहता है कि भाई आपने क्या नाम है पहिया ईजाद किया, ये तो जहाज भी बन गया, आप ये वाला देखें इस तरीके से जहाज बनने शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर मेरे माइंड में क्या होगा, अच्छा ये हो गया, फिर अब जो मैं सोचूंगा ना उसके बाद, इसको सीख जाने के बाद, तो मैं अब कोई बेहतर चीज लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यही तरीका है कि किस तरीके से एक कंट्री, एक नेशन जो है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज, जब पाकिस्तान में इनफ टैलेंट होगा, हम कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर जाएंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो पूरी दुनिया के कंट्रीज क्या करेंगे, वो हमसे लेना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी पाकिस्तान में, ठीक है, फॉरेन करेंसीज आना शुरू हो जाएंगी, और ऑटोमेटिकली पाकिस्तान क्या होगा, पूरी दुनिया में उसका नाम बजना शुरू हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा। सर क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, आप लोगों की सर मोटिवेशन। आप मुझे ये बताएं कि नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ बनाया है और बहुत डिफरेंट बनाया है, और सिर्फ नस्ट के स्टूडेंट नहीं बल्कि और बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती। इवन हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ बन चुका है लेकिन हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आप देखें, ठीक है, अब सबसे पहले कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे कह रही हैं कि आपने कोई अच्छी सी अच्छा सा सॉफ्टवेयर ऐसा, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लिया जो इस वक्त मार्केट में नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने AI मॉडल्स को यूज करते हुए एक AI एजेंट बनाया, डॉक्टर एजेंट कैलम, ठीक है, जिसको आप अपना इशू बताते हैं और वो क्या कर देता है,
कि वो आपको बता देता है कि अच्छा आपके ये सिम्टम्स हैं, ये इस बीमारी से रिलेट कर रहे हैं, और इसको यूज करने के लिए आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और इस मेडिसिन को इतना यूज कर सकते हैं, इसको इतना यूज कर सकते हैं, इसको इतना यूज कर सकते हैं, अगर आप इससे ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा। आप इस टाइप का कोई एजेंट बना देते हैं और वो मार्केट के अंदर नहीं है, और आप बना के खामोशी से बैठे रहते हैं, तो क्या मुझे पता चलेगा कि ऐसी भी चीज आ गई है? सबसे पहली सर ठीक है, एक्चुअली अच्छा आप अब मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है, कि कौन से लोग जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हैं, लेकिन जिन्होंने बताया इंटरनेशनल लेवल पे कि हम बहुत अच्छे हैं जी, हमारे जैसा कोई नहीं है, हम बहुत आगे जा चुके हैं, हमें ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, ठीक है, उनको बहुत से मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनसे डायरेक्टली रिक्रूटर्स ने, गूगल के रिक्रूटर्स ने क्या किया कि उनसे कम्युनिकेट किया और उनको हायर कर लिया। वो पिछले दिनों क्या नाम था, अशफा या एक नाम था, ठीक है, काफी थोड़े बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जिसको गूगल ने डायरेक्टली हायर कर लिया था, नाम नहीं पता, उनको लिंक्डइन के थ्रू हायर किया क्योंकि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल खुद बता रही थी कि वो क्या चीज। हाँ, शफीका इकबाल, यस, थैंक यू मॉस। ठीक है, जब तक आप बताएंगे नहीं कि हमें ये आता है, हम ये कर सकते हैं, तो सामने वाले को तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ठीक है। और ऊपर से एक ये बात कि बाज लोग इस वजह से भी मार खा जाते हैं कि उनको आता बहुत कुछ होता है, लेकिन उन्हें बताना ही नहीं आता कि उन्हें क्या आता, ठीक है। और बताना किस वक्त आता है, जिस वक्त आप बार बार बोलते हैं, जिस वक्त आप बार बार लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो आपसे बार बार क्वेश्चन करते हैं, आप उनके क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, ठीक है, तो फिर वो आप आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस वक्त आपसे फिर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, तो आप फट से उसका जवाब दे देते हैं, जिससे वो कह देता है कि अच्छा ये कोई चीज है, ठीक है, तो मुझे इसको आगे लेके चलना चाहिए, इसे मजीद क्वेश्चन करने चाहिए, तो फिर वो आपको आगे लेकर चलते, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे भी कंफ्यूजन होते हैं कि वो तो इंग्लिश बोलते हैं, हमें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है। अब आप इंटरनेशनल कंपटीशंस में जाएंगे ना, सबसे पहली बात, कंपटीशंस जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप उधर जाके लर्न कर सकें, ठीक है। अगर तो आपको लर्निंग की जरूरत ही नहीं है ना, तो फिर तो आप डायरेक्टली जॉब पे बैठेंगे, आपको कंपटीशन में जाने की क्या जरूरत है? आप गूगल में जॉब कर रहे होंगे, फेसबुक में जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब, एप्पल में जॉब, अमेजोन में जॉब कर रहे होंगे, आपको तो फिर कंपटीशन सिर्फ इसलिए होते हैं कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल्स हैं, ठीक है, आपको देखना है कि कौन सी टीम बेहतर है, ठीक है, जिससे मैं कुछ भी थोड़ा बहुत ही सही लर्न कर सकूं, ठीक है। लर्न करें, और आप इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश इतनी होनी चाहिए आपकी कि आप सामने वाले को सिर्फ समझा सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, टूटी फूटी इंग्लिश। आप वहां पर जाएंगे ना, आपको ऐसे ऐसे इंडियंस भी नजर आएंगे, क्योंकि मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने कोई ना कोई किसी ने आप में से सिखों की फिल्में तो लाजमी देखी होंगी, जिसमें वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और हमें हंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो वहां पर वो उस उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और वो उस तरह की इंग्लिश बोलकर पूरी पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि हमने क्या बनाया है, ठीक है, और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं कि जैसे उनसे बेहतर ही कोई नहीं। तो सिर्फ क्या चाहिए आप लोगों को, कॉन्फिडेंस चाहिए, जाएं और बोलें, ठीक है, और सीखें जी। किसी की कोई क्यूरी है, कुछ ऐड करना चाह रहा है तो फ्रीली कर सकते हैं। सर मैंने एक बात पूछी थी सर, अभी जब ये मेटा हैकर कब हो रहा है सर, मैंने इसकी क्लासेस नहीं है, मैथ की जो सरकार थे वो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन जब ये था पाइथन तो अभी मैं बिगनर सेशन में हूँ तो वो जी मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने अभी खुद को सोची थी कि मैं रजिस्टर भी मैंने इस पे रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक किया था दोस्तों चेक करने के लिए कि भी क्या है, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर क्रिएट किए थे सर, लेकिन उसका क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाता है, अभी जो सर ने क्वेश्चन करवाए हैं वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं, उनकी जो इनपुट दी होती है वो भी अभी समझ में आ जाती है कि ये एन वैल्यू है ये के है ये क्या है वो समझ आ जाता है, लेकिन उसके आगे जो कोडिंग लिखते हैं वीएस कोड पे यूज करके वो कर रहे थे तो वो नहीं समझ आती थी अभी, क्योंकि सर अभी हम उससे अगर पहुंचे नहीं है तो उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, अभी हमें उस पर पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। देखें, पार्टिसिपेट तो बिल्कुल करना है आपने, आपको नहीं भी आता ना, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, फिर भी आप जाएं कोडिंग कंपटीशन के अंदर, ठीक है, आई कोड गुरु जो है वो आप लोगों की हेल्प के लिए आप यहाँ पे शोर डालें, ठीक है, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में, कि भाई मुझे नहीं आता,
मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ, इट्स माई फर्स्ट टाइम, मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा गाइड करें कि मेरा एक क्वेश्चन जो है वो सबमिट हो जाए, कोई तो पर्सन हेल्प कर दे। ठीक है, जितना शोर डालेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। अब सेशन होते हैं, सेशन के अंदर आपको एक चीज समझ नहीं आ रही कि आपने पूछा सेशन में कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, सर उनको कहा था, मतलब ये पहले उन्होंने पहला उनका पार्ट था कि आपको पहले तो मतलब कि ये बताना होता है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है वो सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो सर उन्होंने कहा था कि हमें यही समझा दे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सर वहां पे एक उसको तरह से मुझे लगता था कि कुछ लोग वहां पे ऐसे भी हैं कि जिनको पहले से आइडिया है, तो सर वो एक डिस्कशन टाइप ही चल पड़ी थी वहां पे मैंने जब ये ऐसे क्वेश्चन किया है। तो सर फिर मैं सुन ही रही थी कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जैसे अच्छी होती है वैसे नहीं हुई। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह पता चल सकता है कि जो आपने सोल्यूशन सोचा है वो ठीक भी है या नहीं। ठीक है, एक टर्म हम यूज करते हैं कि इस कोड को ड्राई रन करके दिखाओ। ठीक है, और ड्राई रन करना हमारे एक जो ऐसा कह रहे हैं कि एक आसान सा लफ्ज है। ठीक है, अगर हम उसको किसी कंपाइलर में करना चाहें, वीएस कोड में करना चाहें, तो हम उसको कहते हैं उसको डीबग करना। ठीक है, तो अगर तो आप कोडिंग के साथ अभी इतना खास अच्छा खासा फेमिलियर नहीं है तो आप को डीबग आना तो चाहिए, लेकिन आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि एक ड्राई रन करना सीख सकते हैं। ड्राई रन का मतलब क्या है? ड्राई रन का मतलब ये है कि सबसे पहली लाइन पे हमने ए को डिक्लेयर कर दिया, फिर उसमें फॉर लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप लगा के उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि फॉर लूप 10 टाइम चले और उसके अंदर हमने उस ए के अंदर इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप इस चीज़ को ड्राई रन करें कि एक दफ़ा लूप चला तो ए की वैल्यू क्या होगी, दूसरी दफ़ा चला तो ए की वैल्यू क्या होगी, तीसरी दफ़ा चला तो ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन किसी कॉपी पे इस तरीके से ड्राई रन करना, चेंज करते रहना वैल्यूज, इसको हम बोलते हैं ड्राई रन। ठीक है, और आपको एक कोड तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक आप उसको ड्राई रन ना करें। ठीक है, फिर करते करते ये चीज़ रिपीट करते 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 क्या होता है, जैसे कहते हैं ना ऑटो पायलट पे लग गया, यूज टू हो गया चीज़ों के साथ, तो बंदा यूज टू हो जाता है। फिर बंदा एक दफ़ा देखे तो बंदे को समझ आ जाती है कि अच्छा इसमें ये लॉजिक यूज हुई। सर ये लूप क्या होता है? लूप लूप क्या होता है? तो मैम आप ना आप तो बता ये सकती हैं, इस कैसे हो सेशन के सकते अंदर लूप हैं? डिस्कस कर लिया या नहीं? नो सर, आज डिस्कस करना नहीं। था। ओके, आज डिस्कस करना था तो ऐसा करते हैं कि आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, मैं डिस्कस कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। सर ये पर लूप अच्छा, जो है बेसिकली पर केस है कि आप डिफरेंट केसेस बना लें उस चीज के, डिफरेंट ये केसेस पॉसिबिलिटीज हैं। लूप लूप। अच्छा, अभी अब उसको कंप्यूटर की तरफ रिलेट करने की कोशिश को भी छोड़ें, अभी वैसे ही बताएं कि अगर हम जनरल देखें तो लूप का मतलब क्या होता है। एक ही आप चीज को म्यूजिक बार एग्जैक्टली बार बार चलाना, जिस वक्त आप म्यूजिक प्लेयर चला रहे होते हैं उस पर लूप का ऑप्शन होता है ना, आप लूप पे वो जिसपे एरो घूम के ऐसे आया होता है, आप लूप के बटन पे उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी सॉन्ग हैं वो बार बार अगर खत्म हो जाए तो दोबारा शुरू से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर के साथ इसको रिलेट करने चाहें तो लूप का मतलब ये होता है कि लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कि हम ना चाहें। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 10 टाइम करना चाहता हूँ ना, मैं एक ऐसी कंडीशन रख दूंगा ठीक है कि वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम चलकर बंद हो जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। हाँ अच्छा, ये मैं अभी आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम जल्दी से देखते हैं कि ये होता क्या है। जी सर, मोहम्मद सामा, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप लोग फ्रीली इंटरप्ट कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं कि सर 1 मिनट पहले मेरा आंसर कर दें, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो मैं माइंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी इस चीज़, बल्कि अस्सलाम मुझे वालेकुम अच्छा सर। लगेगा। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने ना आज ही, पहले तो मैंने सर जफर ने मुझे बताया था कि 4-5 सेशन है फेसबुक पे, वो आप सुने, तो मैंने वो सुने, तो मैंने आज ही ये फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो स्टार्टअप कहाँ से लूँ मैं? अच्छा, कोई कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मैम आमना
क्या आप इमर जी इन्हें सेशन के बाद प्लीज गाइड कीजिएगा, इनका नाम नोट कर लें, इनको जी गाइड कर सर दिया, बल्कि चैनल के अंदर ही आप मेंशन कर दीजिएगा ताकि सबको आंसर मिल जाए कि अगर वो स्टूडेंट्स जिनके प्रीवियस लेक्चर्स मिस हो गए हैं वो किस तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स को ले सकते हैं ताकि वो जल्दी से हमारे साथ मिल जाए। ठीक है, ओके सर ठीक है मैम, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप पूछें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक जी है, सर ओके थैंक वेलकम। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल वेरिएबल तो आई थिंक सो सबको करना आता होगा। मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं ए को तो ए के सर। आवाज वीडियो पॉज हो गई है। अच्छा सॉरी, सर मैं आवाज नहीं डिस्कनेक्ट आ हो गया रही था, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा लूप चले 5 टाइम और बताइएगा। सर। वॉइस इज नॉट क्लियर। ये तो सर आपकी अच्छा, मेरी वॉइस इज आवाज बहुत क्लियर है अब? डिस्टॉर्शन। अच्छा, अब मेरी आवाज क्लियर है, प्लीज बताइएगा। यस सर यस सर यस सर ओके। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 5 टाइम अपना लूप चलाऊं, ठीक है, और 5 टाइम ही क्या होना चाहिए, इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता जाए ए की वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट मैं रखूंगा, ठीक है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करना जितनी दफ़ा मैं चाहता हूँ, ऐसा काम करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लूप हमारे पास कितनी तरह के होते हैं पाइथन के अंदर? 2 तरह के होते हैं, एक होता है वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। हम सबसे पहले एक लूप डिस्कस कर लेते हैं, दूसरे को भूल जाए, ठीक है फिलहाल। अच्छा, वाइल लूप लिखने का, ठीक है, सिंटेक्स जो होता है ना वो बड़ा जरूरी होता है, बस उसको ख्याल में रखते हुए आपने कोड करना है, वरना कंपाइलर को समझ नहीं ना आएगी, एडिटर को समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो उसका क्या होता है सिंटेक्स कि हमने सबसे पहले वाइल लगाना है, उसके बाद कंडीशन फॉर ईच आती लूप इसमें नहीं होता। फॉर ईच लूप डू व्हाइल लूप है, डू वाइल लूप इसमें नहीं होता। ठीक है, पाइथन में वाइल लूप और फॉर लूप होता है, और फॉर ईच लूप का क्या काम होता है कि डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस करना, ठीक है, विदाउट यूजिंग इंडेक्सेस, वो आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज उठा उठा के देता है, ऐसे ही है, और वो इसमें वो फॉर लूप के थ्रू ही किया जा सकता है। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलते हैं ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये तब तक चले जब तक वैल्यू मेरी नॉट इक्वल टू किसके हो जी, 6 के हो, कह देते हैं, ठीक है, जब तक वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 है ये चलता रहे, जैसे ही इक्वल टू 6 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये मेरा लूप बंद हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अच्छा, प्रिंट हम किस लिए यूज करते हैं? स्क्रीन पर रिजल्ट्स देखने के लिए ना, जो भी हम चाहें। यस सर, कोई ऐसे भी ही, वैल्यू हाँ डिस्प्ले करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चलना शुरू कर देता,
है. दुबई अब में भी नेट इतना स्लो है? क्या चीज? आप दुबई में? हाँ, मेरी तरफ रिजल्ट्स आ गए हैं. अच्छा, अभी भी इतना स्लो नहीं है. ये देखें, ये फ़ौरन से रिजल्ट हमें मिल जाते हैं. ठीक है, एक दफ़ा कनेक्ट हो रहा होता है ना, क्योंकि क्लाउड बेस्ड सिस्टम है. अच्छा, अब इसको हम करते हैं ड्राई रन, ताकि आपको ये भी पता चले. अभी फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, हमें नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, इसको समझते कैसे हैं. हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ही वैल्यू है, उसके अंदर इस वक्त वन स्टोर है. ठीक है, अब वाइल लूप के अंदर आए, आकर चेक किया, क्या ए जो है वो नॉट इक्वल टू 6 है? आप लोग मुझे बताएंगे. नो सर, नॉट इक्वल टू यस 6 है सर, ना? यस सर, जी नहीं, यस सर, है वन, एक नॉट नॉट इक्वल इक्वल. टू बोला आपने, यस सर, एग्जैक्टली, ठीक है, नॉट इक्वल टू 6 मतलब कंडीशन ट्रू हो गई. जी सर, ट्रू है, एक मिनट, यस. जबरदस्त. कंडीशन ट्रू हुई तो हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा कि आप ऐसा करो कि ए के अंदर वन को ऐड कर दो. ए के अंदर वन को ऐड किया तो वो हो गया 2, और हमने कहा इस 2 को आप आंसर को क्या करो, ए के अंदर दोबारा रख दो. तो मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे, 2 से. ठीक है, और जैसे ही 2 से हुई, हमने कहा कि आप ऐसा करो इसको डिस्प्ले कर दो, तो ये डिस्प्ले कर दिया इसने. अब डिस्प्ले करने के बाद क्या होगा, अब हमारे जो है अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, वो चेक करेगा. तो मतलब लूप के अंदर जितनी भी वो थी स्टेटमेंट्स, उसके बाद उसने क्या किया, वाइल लूप पर चला गया. वाइल लूप पर पहुंचकर उसने कहा कि अब देखो क्या ए नॉट इक्वल है 6 के. यस, नॉट इक्वल है ना? यस सर, यस सर, यस ठीक सर, है, क्योंकि अब टू हो कंडीशन. गया बट लेस देन ही। एग्जैक्टली, तो वो दोबारा वाइल लूप के अंदर आएगा और यहाँ पर आके एक का इंक्रीमेंट कर देगा. एक का इंक्रीमेंट करेगा तो वो 2 से क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा. ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 को कहेगा कि आप ए के अंदर रख दो. तो ठीक है, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, फिर उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा. स्क्रीन पर प्रिंट करवाया 3. ठीक है, अब इसके बाद ये दोबारा इस कंडीशन पर जाएगा और चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. अब फॉर एग्जांपल हम इसी तरह 5 तक पहुंच गए हैं. ठीक है, अब हम 5 लेकर यहाँ पर आए हैं. अच्छा, ये जो थोड़ा सा मैंने जंप लगाया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. नो सर, मैथड तो सेम ही है। हाँ, एग्जैक्टली सेगा. तो 5 जो है वो भी नॉट इक्वल टू 6 है. उसने क्या किया, एक का इंक्रीमेंट कर दिया, और एक का इंक्रीमेंट किया और उसको एक अंदर स्टोर कर दिया 6 को, और प्रिंट करवा दिया. ठीक है, क्या प्रिंट हो गया जी, 6 प्रिंट हो गया. अब 6 लेकर वाइल लूप के अंदर गया. अब बताएं कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई. ऑल एग्जैक्टली, क्योंकि 6 और 6 के इक्वल होता है, नॉट इक्वल नहीं होता. तो कंडीशन फॉल्स हो गई. तो जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा. तो मतलब इसके अंदर हमने जो दो चीजें रखवाई थी, उनको बार बार चलाने के लिए हमने क्या किया, लूप का इस्तेमाल किया. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, वो नो 6 को लेगा, फिर नीचे रिजल्ट में 6 भी प्रिंट हुआ। सर. मैं हाँ, देखे ना, पहले उसने 5 को चेक किया, 5 नॉट इक्वल था. ठीक है, और 5 में फिर एक उसने इंक्रीमेंट कर दिया, 6 हो गया. 6 को फिर उसने क्या किया, प्रिंट किया. प्रिंट करने के बाद, फिर 6 को प्रिंट करने के बाद वाइल लूप में दोबारा गया कंडीशन की तरफ. उसने चेक किया क्या 6 अब नॉट इक्वल टू 6 है, वो फॉल्स हो गई, तो दोबारा इसके अंदर नहीं आया. ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम. तो ये था फॉर लूप, वाइल लूप. ठीक है, तो इसकी जो आगे, इसको फाइल वाइल लूप को मजीद डिस्कस, अभी हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं. ठीक है, किसी के कोई जनरल डिस्कशन है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं. बाकी ये है कि वाइल लूप की फर्दर जो, इसको यूज करते हुए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर लेंगे. अभी 2 मिनट है हमारे पास, किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क. दें कि हम से किस तरह से और कहां से प्रैक्टिस करें कि हम बेटा कब तक कुछ किसी काबिल हो जाएं।
हाँ अच्छा देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना, वो सारी दुनिया इस चीज को समझ चुकी है कि जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है ना, वो होता है लीड कोड वाला, मतलब जिस वक्त आप कोडिंग को सीख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखना है और उनको यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो उसके बाद जिस वक्त आपको लीड कोड मतलब कोडिंग अच्छे से आ जाती है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, फॉर लूप सब में होते हैं, वेरिएबल सब में डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन सब में बनते हैं, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन इज इनफ लीड कोड करने के लिए, ठीक है। जिस वक्त आपको लीड कोड आ जाएगा, उसके बाद आप चाहे जेंगो पे जाम पाइथन को यूज करते हुए कोई और काम करें, वो काम करना, ठीक है, जिसका लीड कोड आता है उसकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और उसकी सीखने की स्पीड जो है वो 10 टाइम फास्टर हो जाती है उसको जिसको लीड कोड नहीं आता उससे, ठीक है। सर, तो लीड आप कोड हम पाइथन के बाद सीखेंगे? हाँ बिल्कुल पाइथन के बाद सीखेंगे। सर, ये मेटा हैकर वाला जो है, मैंने भी ज्वाइन किया था वेबिनार, उसमें मैंने उनसे पूछा था, वो मशीन लर्निंग की कुछ जनरल बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि किस मैंने मुझे तो कुछ आता नहीं कंप्यूटर साइंस में, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस में नहीं आता तो ये जनरली आपके लिए नहीं है। मैंने मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप पाइथन आप सीख रही हैं, तो मतलब आपने इसी फील्ड के अंदर आगे जाना है ना, आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसी फील्ड के साथ अंदर जाना है ना आपने, जी सर, ठीक है। तो उसके लिए चाहे चीज आपको आती है चाहे नहीं आती, आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आपने सीखनी है, ठीक है, और सीखने के लिए आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो कैसे फेस कर सकती हैं आप, उसको पढ़ें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इन दैट केस कि आप जीरो हैं तो आप इंटरनेशनल हैकाथॉन वाले चैनल में, ठीक है, शोर डालें कि भाई मुझसे नहीं हो रहा सवाल, ठीक है, वो पर्सन जिन्होंने कर लिया है तो प्लीज सेशन अरेंज करें, कुछ करें, कैसे भी करके हम जो स्टूडेंट्स हैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसका सॉल्व हो गया, प्लीज हमारे साथ मिलकर सॉल्व करें, हमें भी समझा दें किस तरीके से करना है ताकि हमारी लर्निंग हो जाए, ठीक है। तो जिस वक्त आपको नहीं यस आता होगा आप उनसे ऑब्वियसली एक दिन एक कंपटीशन में एक सवाल सीख जाएंगी, अगले कंपटीशन में दो सीख जाएंगी, उससे अगले में तीन सीख जाएंगी, एक टाइम ऑब्वियसली आ जाएगा जब आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो इस तरीके से लर्न कर रहा, तो इट सीम्स लाइक कि हम जो है वो एक मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग में एंटर कर गए हैं, और अभी हम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और अभी हमें बहुत टॉप फ्लोर पर जाना है सीखने के लिए, तो हाँ इट विल देखें, टेक टाइम। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एज अ लेबर बाहर जाने का ट्रेंड है, ठीक है, आपके या आपके मोहल्ले में, या आपने कहीं सुना होगा कि एक बंदे ने 1 साल 1.5 साल जो है वो ट्राला चलाना सीखा और सऊदीया जाके अब ड्राइविंग करता है, सुना होगा यस ना, सर, ये तो तो कॉमन है, ये तो एग्जैक्टली कॉमन है सर। तो अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल जेंगो ही बनाना चाहते हैं, मतलब एक एंट्री लेवल की टेक्नीशियन लेवल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब जो है वो करना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान में हो रही है, वो तो आप 1-1.5 साल में ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है, और आप आउट ऑफ कंट्री जाएं तो छोटे मोटे ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं जो आपको बाहर भी जॉब्स दे देते हैं ऐसे छोटी मोटी, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हम लीड कोड अच्छे लीड कोड पे फोकस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 60-70 लाख से कम ना हो, ठीक एक्सक्यूज है, मी सर, बाकी जो जहाँ पर एडजस्ट हो जाता है वेल एंड गुड। जी बिल्कुल पूछें सर रहमान। सर क्लास एंड होने लगी है तो आप ये बता दें जो कंसिस्टेंसी जरूरी है स्कॉलरशिप के लिए। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, आपको चीजें आती होंगी तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर सकेंगे, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, और कंसिस्टेंट रहने की मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं जी, जिम करने के लिए गए हैं, एक ही दिन आपने 10 घंटे जिम कर लिया, ठीक है, आप क्या होगा कि थक जाएंगे और अगले दिन जाएंगे नहीं, ठीक है, और घबरा जाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे जिम को, लेकिन अगर आप डेली आधा आधा घंटा जाना शुरू करें और 1 साल रेगुलर जाएं तो साल बाद क्या होगा कि आप फिट हो जाएंगे ना, ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, ठीक है। ऊपर से एक ही दफा बड़ा जंप लगाना, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, उसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि ये है जी एक पर्सन खड़ा है, ठीक है,
अब इसके लिए ये सीढ़ियाँ चढ़नी है जो बिल्कुल क्लोज क्लोज है, ठीक है, और ये इसका मकसद है। तो यहाँ तक अगर इस स्टेप में सीढ़ियाँ होंगी तो ये पर्सन चढ़ सकता है ना, छोटे छोटे स्टेप्स पकड़ के, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यही सीढ़ी का स्टेप्स जो है वो एक यहाँ पर हो, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हो, यहाँ पे आपकी ठीक है सक्सेस है और आपका कद जो है वो इतना ही है, तो क्या आप उधर पहुंच सकते हैं बड़े बड़े स्टेप्स लेके? एक्चुअली नहीं पहुंच पाएंगे सर कभी भी। नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, और अपनी नेचुरल स्पीड से लर्न करना है और कंसिस्टेंट बिहेवियर अपना दिखाना है ताकि आप कामयाब हो सके। सर हमारा जो टाइम है वो भी खत्म हो गया है, तो अगर आप स्लैक पे पूछ लें तो मैं आपको सबको आंसर कर देता ओके सर, थैंक हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो हूँ। मच, वेलकम वेलकम थैंक यू सर, वेलकम। चले ठीक है एवरीवन, थैंक जज़ाकअल्लाह यू, सर। जी जज़ाकअल्लाह, अल्लाह जी कुछ काफी हाफिज। क्वेश्चन रह गए हैं तो आप स्लैक पे कर सकते हैं, सर उसका आंसर कर देंगे। चैनल में आप कर सकते हैं जनरल।